जयशंकर प्रसाद जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आज हम अध्ययन करेंगे कि महा जो कामायनी है वह एक महाकाव्य है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो आज हम पढ़ेंगे कामायनी का महाकाव्य या कामायनी का प्रबंध विन्यास। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय विद्वान है, जो भारत के हिंदी के जाने माने विद्वान है, जो भारतीय संस्कृत के आचार्य हैं और पाश्चात्य शास्त्र के जो विद्वान हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, उन्होंने महाकाव्य के लिए कुछ विशेषताएं निर्धारित की हैं। पहला तो महाकाव्य कैसा होना चाहिए, महाकाव्य का जो नामकरण है वह नायक या नायिका के नाम के आधार पर होना चाहिए, ये पहली विशेषता है जो मापदंड है। जो दूसरा मापदंड है वह यह है कि महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, मतलब महाकाव्य विभिन्न अध्यायों एवं प्रकरणों में विभाजित होना चाहिए। महाकाव्य का जो नायक है वह धीरोदात्त नायक होना चाहिए या धीर ललित नायक होना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसमें प्रकृति चित्रण भी होना चाहिए और इस मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथा कहानियों का भी वर्णन होना चाहिए। और जो महाकाव्य का जो विषय है वह पौराणिक होना चाहिए या फिर काल्पनिक होना चाहिए अथवा उत्कृष्ट होना चाहिए, या फिर जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े मतलब काल्पनिक व्यक्तित्व हुए हैं उन पर आधारित होना चाहिए। इसमें प्रकृति का भी चित्रण होना चाहिए, उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए और सर्गबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार महाकाव्य की कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। आज हम देखेंगे कि इन मापदंडों के आधार पर जो कामायनी है वह कितना खरी उतरती है। तो यह प्रश्न प्राय परीक्षा में पूछा जाता है कि यह सिद्ध करिए कि कामायनी एक महाकाव्य है, अथवा कामायनी का महाकाव्य का वर्णन कीजिए, अथवा कामायनी के प्रबंध विन्यास के विषय में बताइए। तो यह मेरा जो लेक्चर है इसमें बहुत सारे जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो भी इसके प्रस्तावना में ही आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। कामायनी 1935 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। सर्ग का तात्पर्य होता है किसी ग्रंथ का प्रकरण अथवा अध्याय। तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं जो क्रमानुसार इस प्रकार है। तो इन 15 सर्गों के क्रम कैसे हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। इस प्रकार कुल 15 अध्याय हैं, 15 सर्ग हैं। कामायनी के मुख्य पात्र कौन कौन से कौन है? मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, जिसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का तथा कुमार मानव के प्रतीक हैं। यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। कामायनी की कथा वस्तु का आधार, जैसे मैं बता चुका हूँ कि महाकाव्य की जो कथा है पौराणिक होनी चाहिए अथवा किसी हमारे काल्पनिक व्यक्तित्व पर आधारित होनी चाहिए। तो कामायनी की कथा वस्तु का आधार क्या है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भगवत है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। जो जल प्रलय की घटना होती है तो यह घटना शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से अर्थात दूसरी तरह से कह दिए। वास्तव में कामायनी में जो प्रतीक आए हुए हैं वे हमारे विभिन्न मनोभावों का, हमारी मनोवृत्तियों का, हमारी भावनाओं का, इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। वास्तव में जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह दो व्यक्तियों के माध्यम से हुआ है। पहला है जो पुरुष है, पहले पुरुष दुनिया के कौन है? मनु है। और पहली स्त्री कौन है? श्रद्धा है। इन दोनों के माध्यम से ही मनुष्य प्रजाति का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार इसकी कथा इसमें कही गई है। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष दो सर्गों में, दो अध्यायों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। इसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। महाकाव्य की एक खासियत यह है कि उसमें युगीन समस्याओं का चित्रण भी होना चाहिए। मतलब किसी कृति को हम महाकाव्य तभी कहेंगे जब उसमें युगीन समस्याओं का भी वर्णन और उल्लेख मिलता है। इस आधार पर भी इसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है इस कृति में। कामायनी में स्त्री पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उनका योगदान संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। वास्तव में कामायनी में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि स्त्री और पुरुष की संरचना किस प्रकार की होती है, उनमें कितना संघर्ष होता है, कितना प्रेम होता है और उन दोनों के संयोग से आनंद के क्षणों में सृष्टि का जन्म कैसे होता है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन, शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाला एक दर्शन है प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है।
और कामायनी में कौन कौन से रसों का प्रयोग हुआ है? मुख्य रस के रूप में शांत रस का प्रयोग किया गया है इसमें, तथा मुख्य छंद के रूप में ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है। ताटंक एक छंद का नाम है, इसका प्रयोग इसमें किया गया है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है। तो एक बुद्धिवाद होता है जिसमें तर्क और बुद्धि की प्रधानता होती है, तो इसमें कामायनी में तर्क और बुद्धि के स्थान पर हृदय तत्व भावनाओं को प्रधानता प्रदान की गई है। और में शैव दर्शन के अंतर्गत जो आनंदवाद है उसके उसको जीवन के पूर्ण उत्कर्ष चरम उत्कर्ष के रूप में के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद है। अब हम देखते हैं कामायनी वास्तव में महाकाव्य है कि नहीं है, और कामायनी महाकाव्य है तो क्यों है। कामायनी की रचना महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों के आधार पर ना होकर आधुनिक मान्यताओं के आधार पर हुई है, और आधुनिक मान्यता मैं आपको बता चुका हूं कि किन मान्यताओं के आधार पर हम किसी कृति को महाकाव्य कहते हैं। तो यह आधुनिक युग का महाकाव्य है, यह आधुनिक युग की परिवर्तित विचारधारा के आधार पर रचित महाकाव्य है। आधुनिक समय में जो हमारी विचारधारा है पूरी तरह से, या फिर जो हमारे प्राचीन कवि हुए हैं, संस्कृत के आचार्य हुए हैं, उनके समय की तुलना में अभी बहुत कुछ बदल गया है। आधुनिक विचारधारा के आधार पर रचित यह महाकाव्य है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में वर्णित महाकाव्य के अधिकांश लक्षण उपलब्ध हो जाते हैं। शुरुआत में मैं आपको बताया हूं कि महाकाव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के द्वारा जो आधुनिक महाकाव्य के जो लक्षण निर्धारित किए गए हैं वे सभी लक्षण कामायनी में उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम महाकाव्य के लिए अपेक्षित विशेषताओं अर्थात महाकाव्य का कथानक, नायक, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, युग चित्रण, भाव एवं रस तथा कलागत विशेषताओं के आधार पर कामायनी के महाकाव्य की परीक्षा करेंगे कि या इन मापदंडों पर महाकाव्य के रूप में यह कृति खरी उतरती है कि नहीं। पहला है कथानक। इसकी जो कथा है, कामायनी का कथानक इतिहास सम्मत है जो आदि मानव मनु की जीवन गाथा से संबंधित होने के कारण श्रेष्ठ भी है। महाकाव्य की जो गाथा है पौराणिक होनी चाहिए, इतिहास सम्मत होनी चाहिए और श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो यह मानव जो मनु है उनके जीवन से संबंधित है, इसलिए यह कथानक भी श्रेष्ठ है। ऋग्वेद में उपलब्ध श्रद्धा और मनु की जीवन कथा अत्यंत संक्षिप्त है, छोटी सी कथा उसमें दी गई है ऋग्वेद में मनु और श्रद्धा के संबंध में। अतः कामायनी के कथानक को भी भावों के वर्णन द्वारा और युगीन समस्याओं के चित्रण द्वारा विस्तृत कर दिया गया है। हालांकि ऋग्वेद में बहुत छोटी सी कहानी है श्रद्धा और मनु की, लेकिन कामायनी के कथानक को भावों के वर्णन के द्वारा विभिन्न मनोभावों का वर्णन करते हुए और युगीन समस्याओं का चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने इसे विस्तृत रूप दे दिया है। प्रसाद जी अंतर्मुखी कवि थे, उन्हें कथा कहने में उतना रस नहीं मिलता जितना भावना व्यापार के विश्लेषण और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मिलता है। जयशंकर प्रसाद अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट नेचर के थे, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, अपने मन की बात नहीं बताते थे, इसलिए कथा कहने में कहानी सुनाने में उनकी रुचि उतनी नहीं है जितनी रुचि उनकी अपनी भावों को की व्याख्या करने में, भावों के विश्लेषण करने में और जीवन की समस्याओं को सुलझाने में वे अधिक रुचि लेते हैं। वस्तुतः कामायनी की कथा में एक रूपक अथवा प्रतीक का निर्वाह किया गया है। कामायनी वास्तव में क्या है? एक प्रतीक है, और इस प्रतीकात्मक के कारण कथा का अधिक विस्तार संभव ही रहता। तो वास्तव में उन्होंने मनो श्रद्धा एड़ा के माध्यम से विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से मन की भावनाओं को व्यक्त किया है, हमारी चित्त वृत्तियों को, चित्त की स्थितियों का वर्णन किया है, इसलिए इसमें कथा के विस्तार की संभावना अधिक नहीं थी, क्योंकि यह प्रतीकात्मक कथा है अथवा रूपक है। कामायनी में कथा का विस्तार कुछ अलौकिक घटनाओं यथा देव, सृष्टि, प्रलय, तांडव नृत्य, त्रिपुर वर्णन आदि के द्वारा किया गया है। अलौकिक घटनाओं के द्वारा इस कथा का विस्तार हुआ है, जैसा कि हम विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। संक्षेप में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कामायनी का कथानक लघु होते ही महाकाव्य के अनुकूल है। वास्तव में कामायनी का कथानक बहुत ही छोटा है, जिसमें सृष्टि के उपरांत श्रद्धा और मनु के माध्यम से सृष्टि का विस्तार होता है, पुरुष प्रजाति का जन्म होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह छोटी सी कथा होते भी यह महाकाव्य की उत्कृष्टता को स्पर्श करती है, उसके अनुकूल है। इसका नायक कौन है? कामायनी के कथानायक मनु है। भले ही इसका जो नामकरण है कामायनी के आधार पर हुआ है, कामायनी मतलब जो श्रद्धा, श्रद्धा को कामायनी कहा जाता है उसके आधार पर है, लेकिन इसके नायक कौन है? कामायनी के कथानायक है मनु, वे देव पुरुष है, देवता है, अतः उच्च कुलोद्भव कुलीन माने जा सकते हैं। अर्थात यह माना जा सकता है कि उनका जन्म उच्च कुल में हुआ है, कुलीन है। मनु अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हैं, पर आदर्शवादी नायक महाकाव्यों के नायकों की भांति वे धीरोदात्त नायक नहीं है। धीरोदात्त नायक कौन होता है?
जो अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। तो जो आदर्शवादी महाकाव्य के नायक कैसे होते हैं, वे धीरोदात्त नायक होते हैं, उनका अपनी मन की भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन वे इस तरह के नायक नहीं है मनु, वे धीर ललित नायक हैं। धीर और ललित प्रधान नायक माने जा सकते हैं। धीर ललित नायक कौन होते हैं, जिनमें धीरज होता है, जिनमें धैर्य होता है, और जो मतलब जिनका व्यवहार बहुत ही मधुर और मृदुल होता है, लालित्य प्रधान होते हैं, माने जा सकते हैं। मतलब ये साधारण मानव है हमारे जैसे। इनके जीवन में दुर्बलता भी है, सबलता भी है, निकृष्टता भी है, उत्कृष्टता आदि का समावेश किया गया है। मतलब एक व्यक्ति की जितनी भी कमजोरियां होती हैं, जितनी भी अच्छाइयां होती है, वह सभी मनु में दिखाई देती है। इसका मूल कारण यह है कि प्रसाद जी मनु को अति मानव नहीं बनाना चाहते थे। अति मानव मतलब सुपर ह्यूमन, जिसमें कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। वे उसे यथार्थ जीवन के अधिक निकट लाना चाहते हैं। और फिर दूसरा कारण यह भी है कि मनु मन के प्रतीक हैं, जिसमें गुण और दोष दोनों होते हैं। तो वे इसे सुपर ह्यूमन नहीं बनाना चाहते थे, जिसमें कोई कमी नहीं होती, बल्कि वे मनु का चित्रण, मनु से तात्पर्य यहाँ मन है, और मन में क्या है, मन में दृढ़ता भी होती है, सबलता भी होती है और कमजोरियां भी होती है। मन में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इसी प्रकार जो मनु का जो चित्र चित्रण किया गया है, वह एक साधारण मनुष्य के रूप में किया गया है, जिसमें कमजोरियां भी है तो अच्छाइयां भी है, मतलब बुराइयां भी हैं तो अच्छाइयां भी है, इसमें गुण और दोष दोनों हैं उनके व्यक्तित्व में। इस रूपकत्व तथा प्रतीक का निर्वाह करने के लिए इन दुर्बलताओं को दिखाना आवश्यक है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी राजसी मतलब राजा के योग्य और तामसी मतलब कुटिल प्रवृत्तियों से ऊपर उठता हुआ सात्विक जीवन व्यतीत करता है। मतलब जो राजसी भोग विलास से दूर रहकर और कुटिल प्रवृत्तियों से दूर रहकर अंधकारमय जो प्रवृत्तियां होती हैं मन के, जो दोष होते हैं, उनसे ऊपर उठता हुआ सात्विक मतलब उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है, यह मनु के माध्यम से प्रसाद जी ने अंकित किया है। वस्तुतः कामायनी जो है वह नायक प्रधान महाकाव्य ना होकर नायिका प्रधान महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्य की कथा की नायिका में जो गुण अपेक्षित होने चाहिए वे श्रद्धा है, और श्रद्धा को ही कहा जाता है कामायनी। अतः नायक दृष्टिकोण से भी कामायनी को महाकाव्य कहा जा सकता है। तो कामायनी का नामकरण श्रद्धा के नाम पर हुआ है, कामायनी अर्थात महाकाव्य का जो नामकरण होता है वह नायक नायिका के नाम के आधार पर होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से भी यह रचना खरी उतरती है, इसलिए यह महाकाव्य कहा जा सकता है कामायनी को। इसके बाद जो चरित्र चित्रण है, कामायनी में प्रसाद जी ने मनुष्य की चित्तवृत्तियों मतलब मन की अवस्था, मन की भावना की ओर ध्यान देते हुए पात्रों के चारित्रिक विकास को दिखाने का प्रयत्न किया है। जैसे हमारे मन में विभिन्न प्रकार की भावनाएं जन्म लेती हैं, उनका विकास होता है, इसी प्रकार उन्होंने इन मन की भावनाओं को चरित्रों के रूप में अभिव्यक्ति प्रदान किया है। इस काव्य में मुख्य पात्रों का सार्थक चरित्र चित्रण मिलता है। कामायनी में तीन प्रमुख पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और ईड़ा। और ये तीन पात्र कौन कौन है, ये मानव की चित्त वृत्तियों, चित्त की अवस्था या मन का भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसाद जी ये मतलब तीन विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं होती है मन में, जो शुरू में मैं बताया हूँ, श्रद्धा, मनु और ईड़ा, ये उसकी उसका प्रतीक बन जाते हैं। प्रसाद जी ने इन पात्रों के चरित्र चित्रण के द्वारा ही मानव मन की चारित्रिक विशेषताओं, बारीकियों के उत्थान पतन में सहायक प्रवृत्तियों का सुंदर विवेचन परीक्षण और वर्णन किया है। तो ये मन की तीन अवस्थाओं के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, और ईड़ा क्या है, बुद्धि का प्रतीक है। तो इन तीनों प्रवृत्तियों के माध्यम से इन्होंने इनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रसाद जी ने घटनाओं का अधिक जाल इस काव्य ग्रंथ में नहीं रखा है, केवल उन्हीं घटनाओं की योजना की गई है जो पात्रों का चरित्रांकन में सहायक रही है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह एक सफल महाकाव्य। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत ज्यादा घटनाओं का इसमें वर्णन नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं घटनाओं को उल्लेख किया है जो पात्रों के चारित्रिक विकास की दृष्टि से, पात्रों के चरित्र के वर्णन की दृष्टि से जो आवश्यक थे। इस प्रकार चरित्रांकन की दृष्टि से भी यह एक सफल महाकाव्य कहा जा सकता है। इसके बाद चौथा है प्रकृति चित्रण। कामायनी में प्रकृति के आलंबन, आलंबन मतलब भाव का आधार, जिसके आधार पर हमारे मन में भावनाएं जन्म लेती है, उसे कहा जाता है आलंबन। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब वह व्यापार प्रकृति का जो हमारे मन को उद्दीप्त करता है, उत्तेजित करता है। मानवीकरण, रहस्यात्मक, संवेदात्मक, प्रतीकात्मक आदि सभी रूपों का वर्णन हमको मिलता है। प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन इसमें किया गया है। आलंबन के रूप में मतलब हमारी भावनाओं के आधार के रूप में कामायनी में बिंब ग्रहण प्रणाली द्वारा प्रकृति के रमणीय एवं भयानक रूपों के संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किए गए।
मतलब प्रलय के समय में जो जो प्रकृति है उसकी किस प्रकार की अवस्था है, उसका एक स्पष्ट रूप या उसका स्पष्ट चित्र हमारी आंखों के सामने दिखाने में जयशंकर प्रसाद जी पूरी तरह सफल रहे हैं। और जब प्रकृति खुश होती है तो किस प्रकार रमणीय दृश्य होते हैं, और जब प्रकृति नाराज होती है तो किस प्रकार भयानक और रुद्र रूप धारण कर लेती है, इसका वर्णन उन्होंने प्रकृति के माध्यम से किया है। चिंता सर्ग का प्रलय वर्णन प्रकृति के भयंकर रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। चिंता में उन्होंने प्रलय का वर्णन किया है और लिखा है, हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत वगीर भीषण रहो, बार बार होता था क्रूर। इसी प्रकार महाकाव्य में और क्या होना चाहिए, संध्या रजनी उषा आदि का चित्र भी अंकित किए जाने चाहिए। संध्या मतलब शाम, रजनी मतलब रात, और उषा मतलब सूर्योदय के पहले का समय, तो इसके चित्र भी अंकित होने चाहिए किसी भी महाकाव्य में। तो कामायनी में उषा काल का चित्रण करते हुए आशा सर्ग के अंतर्गत प्रसाद जी ने लिखा है। आशा सर्ग में उन्होंने क्या लिखा है, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, यह भी जरूरी है महाकाव्य के लिए। इसी प्रकार चांदनी का सुंदर चित्रण निम्न पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। चांदनी रात का, धवल मनोहर चंद्र बिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीद। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकृति का बहुत ही रमणीक और बहुत ही भयानक दोनों ही प्रकार का वर्णन किया है। कमानी में प्रसाद जी ने उद्दीपन के रूप में, उद्दीपन मतलब जो हमारी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, और प्रतीकात्मक रूप में भी प्रकृति का निरूपण किया है, प्रकृति का चित्रण उन्होंने किया है। निम्न पंक्तियों में प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप की झांकी देखी जा सकती है। मधुमय बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। महाकाव्य में प्रकृति निरूपण लोक शिक्षिका के रूप में भी किया जाता है। कमानी में भी प्रकृति के इस रूप को देखा जा सकता है, मतलब प्रकृति को देखकर हमको उसे सीखने की आवश्यकता होती है, हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कमानी में भी प्रकृति को लोक शिक्षिका के रूप में चित्रित किया गया है प्रसाद जी के द्वारा। और चिंता जो सर्ग है उसमें उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता का चित्रण किया है। क्षणभंगुर मतलब जीवन, छोटा सा जीवन है जो कभी भी समाप्त हो सकता है। मनुष्य के जीवन पानी के बुलबुले की भांति है, वह कभी भी समाप्त हो सकता है, जीवन क्षणभंगुर है, क्षणिक है। तो इसको चित्रित करने के लिए कवि ने सहारा लिया है, प्रकृति का सहारा लिया है जीवन की क्षणभंगुरता को चित्रित करने के लिए। जीवन तेरा शुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजालन। तो जिस प्रकार जैसे बिजली चमकती है पल भर में ही अदृश्य हो जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन होता है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने प्रकृति के रम्य मतलब रमणीक अथवा सुंदर एवं भयानक रूपों की आकर्षक एवं भव्य झांकी कामायनी में प्रस्तुत किए। उन्होंने प्रकृति के रौद्र रूप का और प्रकृति के सुंदर दोनों ही रूपों का बहुत ही भव्य वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के व्यापक रूप का चित्रण किया है, जिसमें हिंदी कविता में प्रकृति चित्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसे हिंदी कविता में जो 12 मासा वर्णन किया जाता है, इसी प्रकार उन्होंने प्रकृति का चित्रण इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि आने वाले साहित्यकार उससे प्रेरणा लेते हैं। महाकाव्य में वन, नदी, पर्वत, संध्या, उषा, प्रभात आदि का जो वर्णन अपेक्षित होता है वह भी कामायनी में उपलब्ध है। अतः प्रकृति चित्रण के दृष्टिकोण से भी कामायनी महाकाव्य के लिए अपेक्षित मापदंडों पर खरी उतरती है। इसके बाद युग का चित्रण होना चाहिए। अपने समय के जो समस्याएं हैं, समसामयिक समस्याएं हैं, जो युग का परिवेश है, जो वातावरण है, उसका चित्रण भी महाकाव्य में अपेक्षित होता है। कामायनी आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है, अतः इसमें वर्तमान युग की स्थिति का पूरा चित्रण दिया गया है और अनेक युगीन समस्याओं को भी स्थान दिया गया है। मतलब युग और परिवेश का भी चित्रण यहाँ पर उपलब्ध है कि उसमें कौन प्रकार किस प्रकार की समस्याएं समाज में विद्यमान थी। आधुनिक युग में नारी मुक्ति आंदोलन एवं नारी शिक्षा को महत्व देते हुए प्रसाद जी ने नारी को पुरुष से श्रेष्ठ बताया है। नारी का हृदय अनेक सात्विक वृत्तियों से युक्त है और वह पुरुष की प्रेरणा शक्ति है। इसलिए उन्होंने कहीं लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी के प्रति उनके मन में हमेशा से श्रद्धा और प्रेरणा का भाव विद्यमान रहा है। नारी का हृदय अनेक सात्विक वृत्तियों से युक्त है और वह पुरुष की प्रेरणा शक्ति है। तो नारी के प्रति उनके मन में हमेशा से सम्मान का भाव रहा है, वह उसे प्रेरणा शक्ति मानते हैं। श्रद्धा के हृदय में जो भाव रूपी रत्न विद्यमान है वे वस्तुतः नारी हृदय की वास्तविकता की झांकी को प्रस्तुत करते हैं। श्रद्धा के मन में जिसे कामायनी कहा जाता है, उसके मन में जो विद्यमान भावनाएं हैं वो वास्तव में नारी हृदय की भावनाओं को उसका प्रतिनिधित्व करती है। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा को अगाध विश्वास,
हमारा हृदय रत्निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। प्रसाद जी ने कामायनी में वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति को मानव के लिए अहित कर बताया है। सरस्वत नगर के उत्कर्ष अपकर्ष द्वारा यह दिखाया गया है कि यांत्रिक सभ्यता श्रेयस्कर नहीं है, इससे प्राकृतिक शक्ति का ह्रास हो रहा है और मानव जीवन की भौतिकता बढ़ती जा रही है तथा आध्यात्मिकता समाप्त होती जा रही। तो सरस्वत नगर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि भौतिकता के कारण कि मनुष्य भौतिकता की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर है, इसलिए उसके मन से आध्यात्मिकता बहुत ही कम हो रही है, खत्म हो रही है, और इसीलिए प्रकृति समय समय पर रौद्र रूप धारण कर लेती है, क्योंकि मानव के जीवन में भौतिकता बढ़ती जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, भौतिक सुख साधनों में जो व्यक्ति है वह बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसके आध्यात्मिक रुझान बहुत कम हो गया है, इसलिए समय समय पर प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखाती रहती है। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर जो कोरोना का जो प्रकोप हुआ था उसका उदाहरण दिया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में भौतिकता बढ़ती जा रही है और आध्यात्मिकता समाप्त होती जा रही है और प्रचुर मात्रा में जीवों का हत्या किया जा रहा है। प्रसाद जी ने हालांकि जो मांसाहारी मुझसे सहमत नहीं होंगे, नाराज होंगे, लेकिन जो सही बात है तो सही बात है। प्रसाद जी ने तात्कालिक युग में व्याप्त गांधीवाद के सिद्धांतों, तो उसमें आजादी के पहले के समय में यह लिखा गया 1935 ईस्वी में, तो उस समय जो गांधीवाद था उसके जो सिद्धांत हैं सत्य अहिंसा सेवा सर्वोदय। सर्वोदय का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति विकास करे, मतलब जो दबे कुचले लोग हैं समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास करे, उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढ़े, इसे कहा जाता है सर्वोदय। ग्राम सुधार आदि का समावेश भी कामायनी में किया है। श्रद्धा जो है पशु यज्ञ का विरोध करती हुई अहिंसा का समर्थन करती है। पशु यज्ञ मतलब जहां पशुओं की बलि दी जाती है ऐसा यज्ञ नहीं होना चाहिए, इसलिए श्रद्धा कहती है और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते, अपना धोखा उससे तो हम अपना ही सुख पाते। इस विवेचन से स्पष्ट है, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कामायनी में युग चित्रण को भी पर्याप्त महत्व दिया है। युग का जो परिवेश है, जो वातावरण है, इस समय किस प्रकार की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक परिस्थितियां थी, उस युग परिवेश को भी उन्होंने कामायनी में अभिव्यक्ति प्रदान की है, जो महाकाव्य होने के लिए एक प्रमुख मापदंड है। इस आधार पर भी कामायनी जो है महाकाव्य के मापदंडों पर खरी उतरती है। छठवां है भाव एवं रस। कामायनी में भावों का अत्यंत सजीव वर्णन मिलता है। जैसे श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है, मनु जो है मन के प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। कहीं कहीं वर्णन में कहीं कहीं कभी वर्णन में इतना लीन हो गए हैं कि वे कथा की उपेक्षा कर बैठे हैं और भाव वर्णन में ही पूरा सर्ग मतलब प्रकरण अथवा अध्याय लिख गए हैं। मतलब जयशंकर प्रसाद जी भावों के वर्णन में कभी कभी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना ज्यादा लिप्त हो गए हैं कि वे कथा के वर्णन को उन्होंने लगभग छोड़ ही दिया है और भावनाओं का ही विस्तार से उन्होंने वर्णन कर दिया है। लज्जा मनोभाव के कारण वृत्तियों में जो संकोच उत्पन्न होता है, मतलब लज्जा के कारण जो मन में जो संकोच की भावना उत्पन्न होती है, उसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया जा सकता है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं, कलरव परिहास भरी गुंजे अधरों तक सहसा रुकती हैं। तो कामायनी में मुख्य रूप से श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता है, पर गौण रूप से अन्य रसों की स्थिति भी कामायनी में देखी जा सकती है। श्रृंगार के जो दो पक्ष होते हैं, श्रृंगार के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का ही निरूपण, इन दोनों का ही चित्रण कामायनी में किया गया है। मनु और श्रद्धा के प्रथम मिलन पर श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो गए। श्रद्धा इतनी सुंदर दिख रही थी कि वे आश्चर्यचकित हो गए कि इस बियावान में इस ऐसी प्रलय वाली स्थिति में यहाँ पर इतनी सुंदर महिला कहाँ से आ गई। उस सम्मोहक सौंदर्य का सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में है, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अभी प्रलम श्रृंगार किसे कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका का वियोग या वियोग श्रृंगार। तो विप्रलम्ब श्रृंगार जिसके अंतर्गत प्रेमी और प्रेमिका के वियोग का वर्णन किया जाता है, इसके वर्णन में भी कवि को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। संयोग और वियोग दोनों का इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रण किया है। मनु के चले जाने पर श्रद्धा के वियोग का सुंदर चित्रण कवि ने किया है, यह भी महाकाव्य के लिए जरूरी है। श्रद्धा अपनी शयन गुहा में दुखी लौटकर आई, एक विरक्त बोझ सी ढोती मन ही मन दिखलाई। शांत रस भी कामायनी का प्रमुख रस है। चिंता दर्शन रहस्य और आनंद सर्ग में इस रस का सम्यक वर्णन हुआ है। शांत रस जैसे इन पंक्ति में हम देख सकते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की, यह इसका उदाहरण है। अब कलागत विशेषताएं क्या कामायनी कला के स्तर पर महाकाव्य के स्तर को स्पर्श करती है हम देखते हैं।
कमानी में महाकाव्योचित शैली का निर्वाह भी किया गया है। यह एक सर्गबद्ध महाकाव्य है, मतलब महाकाव्य के लिए क्या जरूरी है, वह सर्गबद्ध होना चाहिए, उसमें विभिन्न सर्ग होने चाहिए। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। सर्ग से तात्पर्य होता है किसी कथा या कहानी का प्रकरण अथवा अध्याय, तो इसमें 15 सर्ग हैं। इसका नामकरण इसकी नायिका श्रद्धा के नाम पर किया गया है, मतलब जो महाकाव्य है उसका नामकरण नायक या नायिका के नाम पर होना चाहिए, तो इसका नामकरण कामायनी के आधार पर, कामायनी अर्थात श्रद्धा के नाम पर किया गया है। इसमें 15 सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग का नामकरण उसमें वर्णित प्रमुख मनोभाव या घटना के आधार पर किया गया है, मतलब जिसमें जितने भी इसमें सर्ग हैं उसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं अथवा जो प्रमुख मन की भावनाएं हैं उसके आधार पर इन सर्गों का नामकरण किया गया है। सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत भी दिया गया है, मतलब जैसे एक सर्ग खत्म होता है उसमें आगे क्या कहानी आएगी, क्या कथा आएगी, उसका संकेत भी दिया गया है। अधिकांश सर्गों में कवि ने एक सर्ग में एक ही छंद के नियम का पालन किया है और समस्त छंद विधान भी शास्त्र के अनुकूल है। इस प्रकार यह महाकाव्य के लिए जो अपेक्षित मापदंड है उस पर यह खरी उतरती है। कामायनी की जो भाषा है शुद्ध खड़ी बोली है जिसका शब्द विधान उच्च कोटि का है। महाकाव्य के लिए एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उसकी भाषा उत्कृष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, परिनिश्चित और परिमार्जित होनी चाहिए, तो इसका शब्द विधान है वह भी उच्च कोटि का है। यह उदात्त तत्व को स्पर्श करता है। प्राचीन और नवीन अलंकारों का प्रयोग इस काव्य ग्रंथ में किया गया है। विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसकी रचना शैली में कलात्मकता की प्रधानता रही है। लाक्षणिकता अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित उपचार वक्रता एक अलंकार है। विशेषण विपर्य यह भी एक अलंकार का रूप है। इसके कारण इसमें कहीं कहीं दुरता अवश्य आ गई है, कहीं कहीं पे यह जटिल और कठिन प्रतीत होती है, परंतु अपने काव्य श्रेष्ठ मतलब काव्य जिस प्रकार से यह काव्य लिखा गया है, जितने सुंदर तरीके से यह लिखा गया है और जितना सरस और सरल और सहज भाषा में जो लिखा गया है, इसके कारण इसकी उत्कृष्टता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि वास्तव में यह महाकाव्य है कि नहीं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कामायनी आधुनिक युग का प्रतिनिधि महाकाव्य है। इसमें रूढ़िवादिता का विरोध है। रूढ़िवादी का मतलब जो पहले जो प्राचीन परंपरा चली आ रही थी महाकाव्य की, जो संस्कृत आचार्यों के समय में महाकाव्य के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए थे उसका विरोध किया गया है, क्योंकि यह जो प्रसाद का जो आधुनिक समय का महाकाव्य है यह बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप आदर्श लेकर चलता है। इस महाकाव्य में विस्तार का अभाव होने पर भी मानवता के समग्र रूप का चित्रण उत्कृष्ट एवं भव्य शैली में किया गया है। भले ही छोटा सा जिसमें कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इन्होंने इसे विस्तार प्रदान किया है, मन की भावनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार यह महाकाव्य के जो भव्य रूप होता है, जो उत्कृष्ट रूप होता है, उसकी गरिमा को यह रचना स्पर्श करती है। अतः यह कहना बिल्कुल समीचीन है, अतः यह कहना बिल्कुल ठीक है, उचित है कि कामायनी में महाकाव्य के सभी गुण विद्यमान है और कामायनी एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से मेरा आज का एपिसोड यह आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है कि कामायनी क्यों महाकाव्य कही जाती है और कामायनी का जो प्रबंध विन्यास क्या है। यदि मेरा आज का एपिसोड यह आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।